कोरोना महामारी के लगातार बढ़ते मामलों के बीच जिले में नई परेशानी खड़ी हो गई है। जहां एक तरफ कोविड 19 अस्पताल में लैब टेक्नीशियन पॉजिटिव पाए जाने से प्रयोगशाला में सैंपल जांच का काम बंद पड़ा है, तो वहीं बल्लभगढ़ सिविल अस्पताल की प्रयोगशाला में जांच प्रक्रिया बंद है। डिजिटल रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हो सकी है, ऐसे में यहां आने वालों को बीके में सैंपलिंग के लिए भेजा जा रहा है। कोविड 19 अस्पताल ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज की प्रयोगशाला में काम करने वाला लैब टेक्नीशियन पिछले दिनों पॉजिटिव पाया गया था, जिसके कारण वहां सैंपलिंग प्रक्रिया पूरी तरह से बंद है। वहीं जिले भर से आने वाले सैंपलिंग की रिपोर्टिंग का काम अभी बंद है, क्योंकि प्रयोगशाला में लैब टेक्नीशियन नहीं है, तो दूसरी तरफ पूरे स्टाफ को क्वारंटाइन कर दिया गया है। हालांकि अब स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि इस लैब को जल्द शुरू कर दिया जाएगा। लैब बंद होने के कारण लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। कोरोना की रिपोर्ट में भी काफी देरी हो रही है, इसी को लेकर बल्लभगढ़ के एसएमओ डॉक्टर मान सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली। डॉक्टर मान सिंह की माने तो आरटीपीसीआर ऐप पर अप्लाई करने के लिए लैब शुरू करनी थी, ये लैब कल से फिर दोबारा काम करना शुरू कर देगी। उसको ऑनलाइन रिपोर्टिंग और फॉर्म भरना था, ऑनलाइन रिपोर्ट के लिए ये लैब पिछले 2-3 दिन से बंद थी। कल से सारे कोविड 19 जांच शुरू हो जाएंगे। जो बल्लभगढ़ की बात है, ये आरटीपीसीआर ऐप पर अप्लाई करने के लिए ये चालू करनी थी और हमारी कल ही स्टार्ट हो रही है, और उसको ऑनलाइन रिपोर्टिंग और वो सारा परफॉर्मा भरना था, उसके कारण ये डिले हुआ है 1-2 दिन के लिए। उससे पहले हमारी कंटिन्यू थी, 2 दिन का ये बीच में गैप आया और कल ये स्टार्ट हो जाएगी, कल से सारे कोविड टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।